हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। आज हम बनाएंगे हरी पालक के पराठे, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं हरी भरी पालक के हरे भरे से पराठे। पालक के पराठे बनाने के लिए यहाँ हमने हरी पालक ली है, बिल्कुल फ्रेश पालक है। अच्छी तरह से साफ करके पानी से 2 से 3 बार हमने इसे वॉश कर लिया है। वैसे तो पालक के पराठे कई तरीके से बनाए जाते हैं, पालक को बॉईल करके, पालक को तेल में पकाकर, लेकिन आज हम पालक को, कच्ची पालक को कट करके इसके पराठे बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बारीक कट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने पालक को अच्छी तरह से कट कर लिया है, एकदम फाइन कट करना है हमें इसे, हमने इसे कट कर लिया है। तो अब हम पराठों के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। पराठों को आटा लगाने के लिए हमने यहाँ एक परात ले ली है। अब हम इसमें डालते हैं, ये हमने एक कटोरी आटा लिया है, गेहूं का आटा है, इसे इसमें डाल देते हैं। आधा कटोरी से कम बेसन लिया है, पराठों में बेसन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसे जरूर डालिए बेसन आप पराठों में, इसे भी डाल देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं ये कटी हुई पालक जो हमने कट करके रखी है, इसे इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो एक बड़ा बाउल ले लीजिए पराठों का आटा लगाने के लिए, हमने परात में तैयार कर रहे हैं आटा, इसे इसमें डाल देते हैं। अब इसमें डालते हैं ये हमने कद्दूकस करके अदरक रखा है, इसे डाल देते हैं। कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी डाल देते हैं। और ये बारीक कटी हरी मिर्च है, हमने 3 हरी मिर्च को एकदम बारीक कट कर लिया है। इन सारी चीजों को हम इसमें मिला देते हैं। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालते हैं, ये हमने 1 चम्मच नमक लिया है, इसे डाल देते हैं। पालक में आप नमक थोड़ा कम डालिए क्योंकि पालक में नमक होता है। हींग लिया है हमने, इसे डालते हैं। पराठों में हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप जब भी कोई भी पराठे बनाए तो हींग जरूर डालिए, डाइजेशन में हेल्प करता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप हींग को कभी भी स्किप ना करें, जरूर डालिए पराठों में। ये हमने अजवाइन लिया है, इसे इसमें डाल देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग लें, जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें डालते हैं, 1/2 कटोरी से कम हमने दही लिया है, दही से पराठों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे भी इसमें डाल देते हैं। अब डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, आप चाहे तो घी का यूज कर सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं आप इसमें। तो देखिए, हमने सारी चीजें इसमें डाल दी हैं। तो अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक नरम सा आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं पराठों के लिए। इस तरह से इसे मिलाते हुए, अच्छी तरह से मिलाकर हम इसका एक नरम सा आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। अभी हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि पालक में पानी होता है, मॉइस्चर होता है पालक में। अगर पानी हमें लगे कि आटा कुछ सख्त है, आटा गूंथते नहीं बन रहा है, तभी हम इसमें पानी डालेंगे, वरना पहले हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाकर देख लेते हैं कि इसमें पानी की जरूरत है या नहीं। अगर हमें लगेगा कि पानी की जरूरत है तभी हम इसमें पानी डालेंगे इसे। तो देखिए, ये सूखा सूखा सा है, आटा गूंथते नहीं बन रहा है, तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी हमें पहले नहीं मिलाना है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं और एक नरम सा आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और एक अच्छा सा आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है, इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो देखिए, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं आटे को रेस्ट करते हुए, चलिए चेक करते हैं। देखिए, आटा अच्छी तरह से फूल गया है, पराठे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है आटा। तो अब हम बना लेते हैं इसके पराठे। हम इसकी गोल गोल सी लोइयां तोड़ लेते हैं, जैसे भी हमको पराठे बनाने हैं, आपको जैसे भी मोटे छोटे जिस तरह से भी पराठे बनाने हैं आप ऐसी लोइयां बनाकर इसकी तैयार कर लीजिए। तो देखिए, हमने लोइयां बनाकर तैयार कर ली, जितने भी हमें पराठे बनाने हैं। अब इसे इस तरह से हाथ में लेकर हम ऐसे गोल शेप देते हुए इसके, ये देखिए, इस तरह से करके ऐसी इसे प्रेस कर देते हैं
और इसके पेड़े जैसे बना लेते हैं पराठे बेलने के लिए। इस तरीके से ये देखिए, तो देखिए हमने सारी लोइयों के अच्छे से पेड़े बना लिए हैं। तो अब हम बेल लेते हैं पराठे। तो देखिए यहाँ हमने चकला और बेलन ले लिया है, हमने आटा भी ले लिया, हमें पराठे आटे से बेलने हैं और यहाँ लोइयां भी तैयार कर ली है। तो चलिए अब बेलते हैं हम पराठे। इस तरह से इन्हें आटे में डिप करके हमें पराठे बेल लेने हैं। देखिए ऐसे, बस ऐसे करके हल्के हाथों से दबाते हुए हमें पराठे बेल लेने हैं। बस ऐसे करके हमें पराठे बेल लेने हैं। गर्मा गर्म पालक के पराठे सर्दियों के मौसम में सबको बहुत पसंद आते हैं, जरूर बनाइए आप। देखिए ये एक पराठा हमने बनाकर तैयार कर लिया है, तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए, देखिए एक पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो सारे पराठे हम इसी तरह से बना लेते हैं। बस इस तरह से आटे में डिप करके हम सारे पराठे बना लेंगे। अगर आप पराठे ऑयल से बेलना चाहते हैं तो आप ऑयल से भी बेल सकते हैं, हम आटे से बेल रहे हैं। बस ऐसे आटे में डिप करके जब भी आपको लगे कि पराठे चिपक रहे हैं चकले में, तो आप थोड़ा सा आटा लगा लीजिए और सारे पराठे ऐसे ही बना लीजिए। तो देखिए सारे पराठे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, इसे भी निकाल लेते हैं हम प्लेट में। तो ये देखिए हमने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब पराठों को सेक लेते हैं। तो देखिए पराठों को सेकने के लिए यहाँ हमने गैस पर तवा रख दिया है, तवा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालते हैं पराठे और सेक लेते हैं पराठों को। ये देखिए डाल दिया पराठा, अब इसे सिकने देते हैं। जब ये एक साइड से अच्छी तरह से सिक जाएगा तब हम इसे पलटकर दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो देखिए एक साइड से अच्छी तरह से सिक गया है, तो अब हम इसे पलट देते हैं और इस साइड लगा देते हैं ऑयल, और दोनों साइड ऑयल लगाकर अच्छी तरह से करारे होने तक सेक लेते हैं इन्हें। बहुत आसान है पालक के पराठे बनाना। अब इसे इस तरह से पलटकर हम दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। जरूर ट्राई करिए आप, जरूर बनाएं पालक के पराठे, बहुत हेल्दी होती है पालक, आयरन से भरपूर होती है, बहुत पौष्टिक होती है, भी बहुत पसंद आते हैं इस तरह से पराठे, जरूर बनाकर खिलाइए आप। तो देखिए दोनों तरह से अच्छी तरह से पलटकर हम इन्हें सेक लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से पराठा सेक रहा है। तो बस ऐसे ही बहुत आसान है पालक के पराठे बनाना। हम इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से पलटकर सेक लेंगे और देखिए कितने झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं हरी पालक के हरे भरे से पराठे, बिल्कुल गर्मा गर्म ठंड के इस मौसम में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो पराठों को घी से भी सेक सकते हैं, अगर आप खाना पसंद करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं घी के सिके हुए पराठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। हमने ऑयल से सेका है इन्हें। तो देखिए दोनों तरफ से हम अच्छी तरह से पलटकर इन्हें सेक लेते हैं। तो देखिए पराठा अच्छी तरह से सिक गया है, तो इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और सारे पराठे हम इसी तरह से सेक लेते हैं। डाल देते हैं दूसरा पराठा और इसे भी अच्छी तरह से सेक लेते हैं। तो देखिए सारे पराठे कितनी अच्छी तरह से सिक रहे हैं। हमें मीडियम फ्लेम पे सारे पराठे ऐसे ही सेक लेने हैं, बहुत अच्छी तरह से सिक रहे हैं सारे पराठे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और सारे पराठों को अच्छी तरह से सेक लेना है। तो देखिए ये पराठा भी अच्छी तरह से सिक गया है, सारे पराठे हमने सेक लिए हैं, तो निकाल लेते हैं इसे भी। देखिए सारे पराठे कितने अच्छी तरह से सिक गए हैं, सारे पराठे हमने सेक लिए हैं। तो देखिए तैयार है बिल्कुल गर्मा गर्म से हरी भरी पालक के हरे हरे से पराठे। इसे आप रायता के साथ, घी के साथ, जैसे भी खाना चाहे, अचार के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जरूर ट्राई करिए आप इस तरीके से पालक के पराठे। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।